श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9 या 10 सितंबर कब है अजय एकादशी और साथ ही साथ पूजन मुहूर्त, व्रत विधि, महत्व व व्रत पारण का समय भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 10 सितंबर 2023 बुधवार को अजय एकादशी व्रत रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं अजय एकादशी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का समय। एकादशी तिथि 9 सितंबर को शाम 7:17 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर को रात 9:28 पर समाप्त होगी। अजय एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण 11 सितंबर को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 11:52 है। अब हम जानते हैं एकादशी व्रत पूजा सामग्री। लिस्ट: श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन व मिष्ठान आदि रख लें। अब हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत पूजा विधि। अजा एकादशी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें व्रत नियम और अनुष्ठान के साथ रखा जाता है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और साथ ही साथ पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लें। फिर कुछ पूजा सामग्री जैसे फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन आदि रखना जरूरी है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और साथ ही साथ सुबह शाम आरती करें। अजय एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है, इसलिए इसकी व्रत कथा पढ़ें। फिर भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अंत में द्वादशी के दिन सुबह गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब हम जानते हैं अजय एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को भूत प्रेतों के भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अजय एकादशी व्रत कथा सुनने और व्रत रखने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलने वाले लाभ के समान लाभ मिलता है। अजय एकादशी पर हमें क्या काम नहीं करने चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। अजय एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर चावल ग्रहण करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला जीव भी बन सकता है और अजय एकादशी के दिन तामसिक भोजन खाने से बचें। साथ ही इस दिन वाद विवाद से दूर रहें और दिन भूलकर भी चोरी, क्रोध और झूठ बोलने आदि कार्यों से बचना चाहिए। वैसे तो ये काम किसी सामान्य दिन भी नहीं करने चाहिए। अजय एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, मैंने कोशिश करी है आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हमसे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।